सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा बड़ा बम चौराहे पर श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत व अन्य लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। पूरे देश में इस हादसे को लेकर शोक व्याप्त है। सेना का हेलीकॉप्टर IAF Mi-17V5 सुलूर से वेलिंगटन के लिए यात्रा कर रहा था, इस दौरान यह हादसा हो गया। इस हेलीकॉप्टर में चालक दल सहित 14 लोग सवार थे। डिफेंस स्टाफ भारत के पहले अधिकारी जनरल विपिन जी रावत का आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी सपत्नी साथ में हमारे 11 और सेना के अधिकारियों का जो दुखद निधन हो गया है, यह राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के सारे राष्ट्रभक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम उनको, उनके परिवार को, उनके साथ जो अन्य हमारे सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि। ईश्वर यह दुख सहने की, इस राष्ट्र को यह शक्ति दे, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत माता की जय। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।